हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर आपके सामने आरओ यारो मेंस के लिए विलोम शब्द का पार्ट टू लेकर आई हूं। जल्द से जल्द ये सीरीज़ कंप्लीट करूंगी हिंदी की, ताकि आप लोग जो कि 17, 18 और 20 को आरओ यारो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है फेब में, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और जो भी मैं यहाँ पर करा रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इनफ है ये सब चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा मैं ये करा रही हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इसमें वर्ड्स हैं, जो इसमें विलोम शब्द हैं, ये सारे एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। और इसका पार्ट वन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, या तो हमारे चैनल पे आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आरओ यारो मेंस के विलोम शब्द का पार्ट टू आज करेंगे। पार्ट वन आप पहले देख सकते हैं। आज हम करेंगे ऊ और छोटा ऊ और बड़े ऊ वाले शब्द, जो कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले भी। तो इसका पहला है उपकार, जिसका विलोम होता है अपकार। उद्दात, अनुदात, उधार का नकद। उन्नति, अवनति, उन्नति अवनति पहले एग्जाम में आ चुका है। उद्घाटन, समापन। उन्मीलन, निमीलन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है ये। उत्तरायण, दक्षिणायन। ऊर्ध्व का निम्न। उत्थान का पतन। उऋण का ऋण। उद्याचल का अस्ताचल। उत्तर का दक्षिण। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उदय का अस्त। उच्च का निम्न। उत्साह का निरुत्साह। उचित का अनुचित। उपचार का अपचार। उपमेय का अनुपमेय। उपमा का अनुपमा। उपाय का निरुपाय। उपयोग, दुरुपयोग। उत्कर्ष, अपकर्ष। उपयुक्त, अनुपयुक्त। उत्तम का अधम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और शब्द ऊ से। उन्मुख का विमुख। उद्यम का निरुद्यम। उद्धत का विनीत। उपस्थित का अनुपस्थित। ऊर्ध्व का अधो। ऊपर का नीचे। यहाँ पर देखते हैं, ऊधम का विनय। उग्र का सौम्य। उपसर्ग का प्रत्यय। उर्वर का अनुर्वर या बंजर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। ऊंच का नीच। ए और ए वाले शब्द हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन से विलोम शब्द इंक्लूड हो सकते हैं। तो एक का अनेक। एकल का बहुल। एकता का अनेकता। ऐहिक का पारलौकिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। एड़ी का चोटी। एकत्र का विकीर्ण। एकाग्र का चंचल। ऐक्य का अनैक्य। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ओ और ओ वाले शब्द देखते हैं। ओजस्वी का निस्तेज। औपचारिक का अनौपचारिक। औचित्य का अनौचित्य। औपन्यासिक का औपन्यासिक होगा। क वर्ग वाले शब्द देखते हैं, क से कौन कौन से विलोम शब्द बन सकते हैं। तो कल का आज। क्रम का व्यतिक्रम। कनीय का वरीय। कुटिल का रिजु और सरल, दोनों लिख सकते हैं। वैसे आप लोग रिजु लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। कृत्रिम का प्राकृत। कार्य का अकार्य। कठिन का सरल। क्रूर का अक्रूर। क्रोध का क्षमा। कठोर का कोमल। कुकृति का स्वीकृति। कुकृत्य का सुकृत्य। क्रय का विक्रय। कलुष का निष्कलुष। कड़वा का मीठा। कुख्यात का विख्यात। कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञन, वैसे मेनली होता है कृतज्ञन, कृतज्ञ का कृतज्ञन होता है। कीर्ति, अपकीर्ति। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का ज्येष्ठ। कायर का होता है निडर। कुरूप का होता है सुंदर। कपूत का सपूत। कृष्ण का शुक्ल। कर्मण्य का अकर्मण्य। करुण का निष्करुण। कुसुम का व्रज।
क्षमा का क्रोध, शूद्र का महत्व, क्षमा का दंड, ख्यात का कुख्यात, खगोल का भूगोल, खुला का बंद, खंडन का होगा मंडन, और खंडन मंडन इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुका है एग्जाम में। कलंक का निष्कलंक, कोप का कृपा, कदाचार का सदाचार, कटु का मधु, कृपण का उदार या दानी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कर्कश का सुशील होगा, कसूरवार का बेकसूर, शर का अक्षर, शम का अक्षम, क्षणिक का शाश्वत, खल का सज्जन, खिलना का होगा मुरझाना, खाद्य का होगा अखाद्य, खीजना का होगा रीझना, और खरा का होगा खोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं शब्द। खेद, खेद का होगा प्रसन्नता, ग्रस्त का होगा मुक्त, गुप्त का होगा प्रकट, गुण का होगा अवगुण, गोचर का होगा अगोचर, गमन का होगा आगमन, गुरु का होगा लघु, ग्राह्य का होगा त्याज्य, गद्य का होगा पद्य। गद्य पद इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं। गरीब का अमीर, गत का आगत, गंभीर का वाचाल, ग्रहित का त्यक्त, गगन का पृथ्वी, गरल का सुधा, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्रही का त्यागी होगा, गेय का अगेय, गर्मी का होगा सर्दी, गहरा का होगा छिछला। आगे देख लेते हैं ग के और जो वर्ग है। ग्राम्य का होगा शिष्ट, और ग से होगा यहाँ पर गीला का सूखा। अब ये घ के वर्ग आ चुके हैं यहाँ पर। घर का बाहर, घटना का बढ़ना, घन का तरल। ऐसे ही घृणा का प्रेम होगा, घात का प्रतिघात होगा, घरेलू का बनेला होगा, मतलब बना हुआ बनाया हुआ। च वर्ग के शब्द देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से विलोम शब्द आते हैं। चर का अचर, चिन्मय का जड़, चल का अचल, चोर का साधु, चिरंतन नश्वर, चेतन का होगा अचेतन, छली का होगा निश्चल, ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ। आगे चौके वर्ड देखते हैं। चढ़ाव का होगा उतार, चंचल का होगा स्थिर, चाह का होगा अनचाह, चतुर का होगा गूढ़, चिर का होगा अचिर, छांह का होगा धूप, जन्म का होगा मृत्यु, और ज्वार का होगा भाटा। तो आज के विलोम शब्द इतने ही यहीं समाप्त करती हूँ, और विलोम शब्द जल्द ही लेकर आऊँगी, और जल्द ही इसकी सीरीज कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे हम। 17 तारीख से पहले पहले हम लोग सारा कोर्स यहाँ पर कवर करेंगे हिंदी से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।